नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। कहाँ जा रहे हो राजा पैदल पैदल? अरे भैया महाबलेश्वर। चलो मेरे साथ छोड़ दो। थैंक यू। आधा भर से नाराम। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपकी ये पैदल यात्रा सफल हो। भगवान आपको जंगली जानवरों से और जहरीले सांपों से बचाए। और अगर कोई पहाड़ी लुटेरा हाथ में खंजर लेकर सामने आ जाए तो? सॉरी मैडम, बाय बाय। सुनो तो, तुम मुझे सचमुच छोड़कर जा रहे हो? क्या करूं मैडम, मैंने आपको बहुत तंग किया, बहुत बोर किया। नहीं नहीं, इसलिए बाय बाय। नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मुझे अपने साथ ले चलो ना राजा। मुझे बुला रही हो या वो कुत्ते को? तुमको। फिर से एक बार बोलो राजा। राजा। एक बार और प्यार से राजा। राजा। चलो चलो जल्दी बैठो। आइए मैम साहब, बैठिए जल्दी। आओ फिर कब मिलोगे? मिलना जरूरी है। हाँ, अब जरूरी हो गया है। तो फिर अचानक किसी दिन इसी तरह मुलाकात होगी। तुम शेटी हो, उस कोठी में बटलर बनके काम कर रहे हो, राइट? गुड। वेलकम राजा। डॉली। नर्स। इट्स टू अर्ली। काम की बात करो डॉली। प्लान? ये उस कोठी का प्लान है। इस गेट के अंदर की तरफ ये झाड़िया है जहाँ तुम छुप कर मेरे सिग्नल का इंतजार करो। मैं पहली मंजिल की तीसरी खिड़की की लाइट बुझा दूंगी। तुम पिछले दीवार के पाइप से ऊपर चले आओ, बालकनी से बेडरूम में पहुंचो। मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा। ये तिजोरी वाला कमरा है, ये सेफ है, पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ। तुम्हारा काम सिर्फ तिजोरी को खोलना है। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी 4 घंटे बाकी है, ठीक 11 बजे वहां पहुंचा। कम ऑन सेट। बालकनी से। लेकिन मैंने कहा नहीं था कि एक दिन अचानक ही मुलाकात होगी। तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये तो मेरी दादी का घर है। एक ही सांस में कितनी बातें पूछोगी, और फिर मेरा तो एक ही जवाब है। मोहब्बत ने अंधेरे रास्ते में शमा जलाई,
और दिल की कशिश मुझे यहाँ तक खींच लाए। सचमुच तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। अभी से मुश्किल सामने आ गई, अभी तो सफर शुरू हुआ है। अभी तक मैं उसी सफर के बारे में सोच रही थी। सफर के साथी की याद आई? साथी की वजह से ही तो सफर याद आया। और सच पूछूं, उस सफर ने मुझे जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं। कोई आ रहा है शायद? आने दो। नहीं बाबा, अब तुम जाओ, सुबह आ जाना, मैं तुम्हें अपने दादी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलना जरूरी है? अच्छा तो मैं चलता हूँ। वहाँ कहाँ? बालकनी से। सीधे रास्ते से जाओ ना। सीधे रास्ते से? सीधे रास्ते से जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है। लो मेरा हाथ थाम लो और सीधे रास्ते पे ले जाओ। क्या बोले मेहन साहब, सरकार बोलती है जब नाम ही टैक्सी है तो टैक्स क्यों ना लगाएं? रोड टैक्स, टायर टैक्स, हॉर्न टैक्स, इंजन टैक्स, टैक्स पे टैक्स, क्या बोले? लो आगे मैडम जगह। पैसे बोलो। बोलता हूँ। ओ क्या हुआ? क्या बताऊं, अब खुद ही देख लीजिए, मुझे पैसे बताते हुए शर्म आती है। क्यों मैडम? बात यह है कि मेरा मीटर जब भी 420 पर आकर रुकता है ना, तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ 4 रुपए दे दीजिए और बाकी 20 पैसे शुभ सागर में डाल दीजिए, शायद कोई आने वाले ग्रह टल जाए। थैंक यू। जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। ए टैक्सी, चलो कहाँ जाना है? ये टैक्सी वालों को पूछने की बहुत बुरी आदत होती है। कहाँ जाना है? जहन्नम में जाना है। जहन्नम में जाना ना? जाना जाना है या आना जाना है? चलो भाई। अरे सेठ काय को खाली पीली नाराज होता है, जहन्नम में जाना ना। बैठो अभी पहुंचा देता हूँ। ये टोकरी कैसी? टोकरी? ए ड्राइवर, ये टोकरी यहाँ रहेगी तो छोकरी कहाँ बैठेगी? टोकरी? अरे राम, ये उस छोकरी की रहेगी होगी। तुम बैठो थे, मैं छोकरी को टोकरी देकर आता हूँ। देकर आओ, बहुत भारी है। मैडम! अरे ओ मैम साहब, अरे किधर गई मैम साहब, तुम्हारा सामान रह गया है। लो, अरे मैंने तो पैसा सागर में डालने को कहा था, कहीं खुद तो नहीं चली गई? कमाल है, एक तो लोग टैक्सी में सामान भूल जाते हैं, ऊपर से बोलते हैं टैक्सी वाले चोर। ये हिंदुस्तान में बच्चे रोते पड़े हैं? बच्चा मर गए, शुक्र के दिन शनि के दर्शन हो गए। मैं तो पहले ही सोच रहा था ये भगवान ने जो मीटर में 420 लिख दिया ना, तो कोनो को लफड़ा जरूर होगा। हो गया। ओ ड्राइवर साहब जरा जल्दी चलिए, हमें देर हो रही है। अरे तुम्हें देर हो रही है या अंधेर हो रहा है? जहन्नम के लिए दूसरी टैक्सी ले लो, मैं खुद यहाँ जहन्नम में पड़ गया हूँ। सुन लिया, हमें देर हो रही है, इनको जरा भी ख्याल नहीं है। चलो हम दूसरी टैक्सी लेंगे। चलो। जरा भी ख्याल नहीं? अजय आपको भी जरा भी ख्याल नहीं? आपकी माँ को मैं ही मिला था मेरे पल्ले डालने के लिए। ओहो, कहाँ छोड़ू इस उल्लू के पट्टे को। कहाँ डंप करूं इसको, यहाँ रख देता हूँ। ए सलाम वालदर साहब, सलाम। टैक्सी तुम्हारी है? टैक्सी हमारी है। यहाँ क्या कर रहे हो? जी पेशाब निकल गया, मेरा मतलब मेरे बच्चे का पेशाब निकल गया। इतना प्यारा बच्चा है। अजी प्यारा होगा आपके लिए, मेरे लिए तो आफत डाल रखी है। शुक्र करो इतने प्यारे बच्चे के बाप हो। यहाँ देखो 20 बरस गुजर गए शादी को, नतीजा जीरो का जीरो। तुम जीरो तो तुम ले लो ये हीरो। क्या बकते हो, टैक्सी हटाओ, यहाँ नो पार्किंग है। नो पार्किंग है? अजी टैक्सी का पार्किंग तो हो जाएगा, इसका पार्किंग कहाँ करूँ? नो पार्किंग है। ये क्या छुपा रहे, अपने पाप की निशानी? अरे सुनो। अरे मत सुनो। देखो अगर कोई लड़की अपने पाप के निशानी छुपाने जाए तो सारे मर्द बेचारे के पीछे पड़ जाते हैं, और ये मर्दों के करतूत भी देखो,
ये मेरे बाप की निशानी नहीं है। फिर तुम्हारे बाप के पाप की निशानी होगी। मेरे बाप की वो तो मैं हूँ। मेरा मतलब है मैंने ना जाने क्या पाप किया, ये मेरे पल्ले पड़ गया। किसी मासूम लड़की का पल्ला पकड़ा होगा जिससे ये पल्ले पड़ गया। बेशरम कहीं का। मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।